हाई एवरी वन दिस इज़ वेरानिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है ओजोन लेयर के बारे में और उसके डिप्लेशन को लेकर ओज़ोन लेयर क्या है कैसे हमको प्रोटेक्ट करती है और इसकी डिप्लेशन को लेकर क्या कॉजेज़ हैं क्या इफ़ेक्ट्स उसके हैं और इसको रोकने के लिए क्या 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 स्टेप उसकी मिटिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या मेरे अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम बिकॉज आई फील टूगैदर वी कैन मेक अज डिफरेंस लेकिन जो पी डी एफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा ओके तो यहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिएगा अभी डिस्कशन शुरू करते हैं अब ओजोन लेयर का नाम हम सब सुनते हैं और ओजोन होल के बारे में भी सुनते हैं तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब देखिए ये ओजोन लेयर बेसिकली क्या है अर्थ का जो स्ट्राटोस्फेयर है आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि ट्रॉपोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इस इसमें एक हम अलग से लेक्चर बनाएंगे कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं स्ट्राटोस्फेयर उसमें से एक है तो ये एम सी क्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर जो है जो हमको यू वी रेस से बचाती है वो एटमॉस्फेयर के कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ठीक है तो याद रखना है कहाँ पे स्ट्रैटोस्फेयर में प्रेजेंट है वहाँ पे स्ट्रैटोस्फेयर में ओजोन की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन्स जो हैं वो आपको मिलती हैं और अल्टीमेटली ये जो ओज़ोन है ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्स जिनको हम शॉर्ट में यू रेज भी बोलते हैं अब आप समझ सकते हैं कि एक आर्मर की तरह एक शील्ड की तरह ओजोन लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और जितने भी सन से अल्ट्रा रेडिएशंस रेडिएशन आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है राइट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी पिक्चर में ये अर्थ है ये इसके आगे पीछे स्ट्राटोस्फेयर पे आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है अब जितनी भी आपकी यूवी रेज आ रही हैं ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब करती है अर्थ पे नहीं आने देती क्योंकि यूवी का बहुत हार्मफुल इफेक्ट आपकी ह्यूमन लाइफ पे प्लांट लाइफ पे एनिमल लाइफ पे देखने को मिलता है तो जिस तरह से आपको मैंने एटमोसफेयर की लेयर्स बताया तो ये देखिए ये आपका ट्रोपोस्फेयर ये है आपका स्ट्राटोस्फेयर जहां पे ओजोन पाया जाता है मीजोस्फेर थर्मोस्फेयर एक्जोस्फेयर ओके तो ये आपकी ओजोन लेयर आप यहां पे देख रहे हैं ये जा रही है ये आपके स्ट्राटोस्फेयर में है इसको याद रखिएगा तो यहीं पे ये चीज रिपीट की गई है कि ये वो लेयर है अर्थ की स्ट्राटोस्फेयर में जहां पे ओजोन हाई लेवल पे पाया जाता है अर्थ को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है देखिए यूवी रेडिएशन 97 सेवन टू नाइन्टी यूवी परसेंट रेडिएशन ओजोन सन से एब्जॉर्ब कर लेती है और अगर ओजोन लेयर ना हो तो बहुत सारे लोग मिलियंस ऑफ पीपल लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो स्किन डिजीज़ से उनको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी स्किन डिजीजेस हो जाएंगी कैंसर हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और उसके बाद जो यूवी रेडिएशन है ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जिससे जो प्रोडक्टिविटी है आपकी क्रॉप्स की फूड की प्लांट लाइफ की सब पे इफ़ेक्ट होगा उसके बाद जो अर्थ का फोना है अर्थ पर वो भी ओजोन लेयर के डिप्लेशन से इफ़ेक्ट होगा तो ओजोन लेयर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है तो ये आपको याद होना चाहिए कि ओजोन लेयर का क्या बेनिफिट है कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर की ये प्रेजेंट है अब देखिए क्या हुआ था कि अंटार्कटिका में अंटार्कटिक में साइंटिस्ट ने ओजोन होल जो है वो डिस्कवर किया था अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या ओजोन होल का मतलब है कि वहाँ पे कोई सुराख हो गया नहीं ओजोन होल हम किसको बोलते हैं थिन्निंग ऑफ ओजोन लेयर कि इसका जो पतला हो गई इसकी जो यहाँ पर आप डेंसिटी देख सकते हैं वो कम हो गई थिन्न हो गई है उसको हम हो यहाँ पे ओजोन होल बोलते हैं कोई वहाँ पर ऐसा होल नहीं हो जाता है ओके okay? तो यहाँ पे दिस हैज़ फोकसड देयर कंसर्न ऑन वेरियस एन्वायरमेंटल इशूज़ तो जब एंटार्क्टिक के ऊपर ओजोन लेयर थिन होना शुरू हुई तो साइंटिस्ट का ध्यान यहाँ पे गया क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि वहाँ से यूवी वी रेज अर्थ पे आएंगी और उसका इन्वायरमेंट पे बहुत गलत असर पड़ेगा इसलिए हमको ये चीज़ कंट्रोल करनी है मेन रीज़न आपके ओजोन लेयर के क्या हैं आगे डिटेल में भी देखेंगे आपके क्लोरोफ्लोरोबन कार्बन टेट्रोक्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्लोरोलोरोबन तो ठीक है यहाँ पे देखिए ओजोन लेयर के होल को बेसिकली क्या है ग्रेजुअल थिन्निंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेअर ये डिप्लीशन क्या है थिन्निंग जो वर्ड मैंने याद किया इसको प्लीज इस वर्ड को याद रखिएगा होल को होल मत समझना थिन्निंग ऑफ ओजोन लेअर ओके अपर एटमोसफेयर में थिन्निंग होगी क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड वहाँ पर रिलीज होते हैं और ये स्पेशली आपकी गैसियस ब्रोमीन और क्लोरीन जो कि इंडस्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहां पे जाती है तो इसको भी आप स्टार कर लीजिए ब्रोमीन और क्लोरीन की वजह से सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन जो है वो होती है अब इस डिप्लीशन के बारे में और जानते हैं कब होती है डिप्लेशन जब क्लोरीन और ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं ओजोन O3 है ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं और ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पे ये फैक्ट देखिए ये देख के आपको ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये समझ में आएगा कि एक क्लोरीन का अगर मॉलिक्यूल है वो एक लाख मॉलिक्यूल ओजोन के उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है यानी ओजोन इतनी जल्दी क्रिएट भी नहीं होती जितनी जल्दी उसको क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देता है तो क्लोरीन कितना हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए इसीलिए देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आगे भी हम देखेंगे इसको 1987 में प्रपोज किया गया था कि हम आ, या यानी जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्शन को रोकें मिनिमाइज करें ताकि उनका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो और हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर पाएँ अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएँ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए एक होता है कॉन्सेप्ट गुड ओजोन एक होती है आपकी बैड ओजोन इस स्लाइड पे इसलिए लाई क्योंकि इस पिक्चर में आपको समझ आएगी गुड ओजोन हम किसको बोलते हैं क्योंकि देखिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं अब कुछ ओजोन आपके ट्रोपोस्फेयर में भी ओथ्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है जो कि हार्मफुल होती है ब्रीदिंग के लिए और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्लांट्स के लिए भी क्रॉप्स के लिए भी काफ़ी डैमेजिंग ये रहती है अर्बन स्मोक भी इसकी वजह से होती है तो इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पास प्रेजेंट होती है लेकिन गुड ओजोन जो कि हमको सन के यूवी रेस से बचाती है और वो स्ट्राटोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं तो ये याद रखिएगा गुड ओजोन बैड ओजोन ह्यूमंस के लिए भी ब्रीदिंग इश्यूज़ ओ थ्री के जो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा गुड ओजोन बैड ओजोन अब हम कॉजिज़ की बात कर रहे थे कि आफ्टर ऑल क्या कॉजिज हैं क्यों डिप्लीट हो रही है तो सबसे बड़ा क्या है आपका क्लोरोफ्लोरोबंस क्लोरोफ्लोरोबन जितने भी हैं जिनको हम शॉर्ट में सी एफ सीज बोलते हैं एक मेजर कंसर्न है ओजोन लेयर डिप्लीशन इनकी वजह से होती है अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं याद रखिए ये भी सवाल पूछा जाता है एम सी क्यूज़ में स्टेटमेंट में क्लोरोफ्लोर कार्बन आपके सोल्वेंट्स जो हैं उसके बाद आपकी स्प्रेज आ जाती हैं स्प्रेज एरोसोल्स ठीक है स्प्रेज एरोसोल स्प्रे एरोसोल आगे आपके फ्रिज जो हैं रेफ्रिजरेटर्स ठीक है वहाँ पे होती है आपके एसी जो हम लगाते हैं वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं तो ये सब कॉजेस ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो क्या करते हैं ओजोन को डिप्लीट करते हैं उसके बाद अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस जो हमारे हो रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं अगर इसी तरह से होता रहा तो 2015 तक बहुत ज़्यादा लॉस हमको ओजोन लेयर का हो जाएगा उसके बाद आपके नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स जितने भी हैं एन हो गया एन NO हो गया ये भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लिशन के लिए उसके बाद कहीं ना कहीं आपके नेचुरल कॉजेज भी होते हैं लेकिन नेचुरल natural... कॉजेज एक से दो परसेंट ही ओजोन डिप्लीशन में मतलब उनका रोल रहता है जैसे वॉल्केनोज से हो सकता है या फिर स्ट्राटोस्फेरिक विंड्स चलती हैं या सन स्पॉट जैसे फेनोमेना आपने सुने होंगे तो कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं जिनसे ओजोन डिप्लीट होती है देखिए जो भी कंपाउंड्स हैं जो क्लोरीन ब्रोमीन या इस तरह के केमिकल कम, कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जिनसे ओजोन डिप्लीट हो उनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओजोन ओ मान लीजिए ओजोन डिप्लीटिंग आगे उनका नाम भी दे रखा होगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इनमें ब्रोमीन रहता है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल एक रिएक्शन आपको दिया है मैं समझाऊंगी जैसे मैंने आपको कहा था एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपके एक लाख मोलिक्यूल जो हैं किसके ओजोन के उनको डिस्ट्रॉय करता है देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्लोरो मिथेन है ठीक है यहाँ पे यूवी रेडिएशंस आपकी आई तो क्लोरीन अलग हो गया मिथेन अलग हो गया यूवी रेडिएशन्स अगर ओजोन थिनिंग हो रही है तो ये एक साइकिल ही बन जाती है और ओजोन बार बार टूटने लगती है क्लोरीन ने मिथेन से रिएक्ट किया यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में सनलाइट क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए होगी क्लोरीन अलग से निकल गया और मिथेन अलग हो गया अब ये जो क्लोरीन है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा ये क्लोरीन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग हो रहा है ओके okay, तो फिर ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना ये फिर से ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन नहीं ओजोन है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से क्लोरीन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लोरीन ये एक रेपिटेटिव एक सर्कल बन जाता है और अगर एक बार ये रिएक्शन हो जाए तो आपका जो ओजोन डिप्लीशन है वो शुरू हो जाता है क्योंकि क्लोरीन पहले ओजोन से रिएक्ट किया क्लोरो मोनोऑक्साइड बना और ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन तो हर बार आप देखेंगे क्लोरीन जनरेट होगा क्लोरीन बनेगा आप चाहे क्लोरीन बने या आपका ये क्लोरोमोनोऑक्साइड या क्लोरीन मोनोऑक्साइड बोल लीजिए ये बने आपका ओजोन डिप्लीट होगा तो ये क्लोरीन इतना हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए इस रिएक्शन से आपको समझ आएगा अब जैसे मैंने कहा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोला जाता है जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं क्लोरोफ्लोरोबन कहाँ से इनका सोर्स है हेलोन्स भी हैं जो फायर एक्सटिंगज में यूज किए जाते हैं कार्बन इनके प्लीज ये नेम्स जो हैं ये याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी फायर एक्सटिनक्शर्स में यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट्स में मिथाइल क्लोरोफॉम ये एडिसिव्स एरोसोल्स में यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन्स uh, जो हैं सॉल्वेंट क्लीनिंग फायर एक्सटिनक्शर्स सॉल्वेंट क्लीनिंग में यूज़ किए जाते हैं दो बार लिखा है बट एनी anyway, तो ये ओ कितना ख़तरनाक है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटैंस अब ओजोन डिप्लीट हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मैं बार बार बता चुकी हूँ ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे आपको कैंस ह्यूमन्स को कैंसर हो गया बर्न्स हो गए मोतियाबिंद जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं कैटरैक्ट जैसी बीमारी होगी उसके बाद एजिंग बूढ़ा इंसान बहुत जल्दी होने लग जाता है एजिंग होने शुरू हो जाती है उसके बाद इम्यून सिस्टम जो है आपका बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लग जाता है एनिमल्स में भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है बहुत सारे एनिमल्स में कैंसर जो है वो होने लग जाता है आई कैंसर स्किन कैंसर इन्वायरमेंट का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्लांट्स से पे फर्क पड़ेगा प्रोडक्टिविटी जो है वो उनकी कम हो जाएगी फॉरेस्ट को नुकसान होगा मरीन लाइफ में जितने भी आपके फाइटो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा प्लांकटॉन्स को और जितने भी ऑर्गेनिज्म फाइटो प्लान्टॉन्स पर डिपेंड करते हैं लोअर फूड चेन में उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका पड़ना शुरू होगा अगर आपकी ओजोन डिप्लीट होगी उससे यूवी रेज आएंगी सब हार्मफुल रेडिएशंस ये सब नुकसान करेंगी अब देखिए अभी तक किस तरह के इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं ताकि हम ओजोन डिप्लेशन को बचा सकें तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उनमें से एक है इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे ये सारे कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए हैं डिटेल में कन्वेंशंस करके एक इसी सीरीज पे सीरीज़ में आ, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर मैंने बनाया था तो वहाँ पे डिटेल में पड़ेगा बट नॉर्मल याद रखिए क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज तक का बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटोकॉल रहा है और सारी की सारी कंट्रीज यूनिवर्सल यूनिवर्सली इसको रेटिफाई भी किया था हर देश ने इसको रेटिफाई किया था रेटिफिकेशन इसको मिला था नाइनटीन एटी सेवन में सॉरी यस नाइनटीन एटी सेवन में इसको साइन किया गया था ये ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी तो इसमें यही बात की गई थी कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेस आउट किया जाएगा उनका यूज़ मिनिमाइज़ किया जाएगा ख़त्म किया जाएगा राइट तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसी के आगे इसका किगाली अमेंडमेंट भी हुआ जहाँ पे आपके जितने एच हैं उनको फेस आउट करने की बात की गई वायना कन्वेंशन में भी ये जो है ओजोन डिप्लीशन की बात की गई थी कि इसको हमने कैसे रोकना है वायना कन्वेंशन 1985 में ओके बर कंट्रीज ने रिकोगनाइज किया था कि ओजोन का कितना नुकसान है और इसको अब हमने कैसे रोकना है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं कि ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए अब मिटिगेशन की बात है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं पेस्टिसाइड्स को यूज करना कम कर दें क्योंकि वो इस तरह के केमिकल कंपाउंड जनरेट करते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं व्हीकल्स से जैसे सल्फर निकलता है ग्लोबल वार्मिंग होती है इस तरह के और कंपाउंड्स निकलते हैं ओजोन को डिप्लीट करते हैं इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करें नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ भी जो है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए प्रोहिबिट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टर्म आ जाती है लेकिन एटलीस्ट मिनिमाइज तो करना ही चाहिए तो तभी हम ओजोन को डिप्लीट होने से रोक पाएंगे देखिए ओजोन डिप्लीशन जो है वो वापस ना आ जाए तो हमको जितने भी प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं इन्वायरमेंट एक्शन प्लान्स बनाए हैं हमको उनको फॉलो करना चाहिए हमको उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफ़र करनी चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है रेफ्रिजरेटिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर क्योंकि उनके लिए हमको कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए अब बोलें कि फ्रिज को बंद कर दो तो नहीं हो पाएगा नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज अगर हों जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी मिनिमम हो इस तरह का हमें रिसर्च डेवलपमेंट करना है अब देखिए लास्ट में लेटेस्ट क्या न्यूज थी कि जो लार्जेस्ट ओजोन होल है जिसको आज तक रिकॉर्ड किया गया है नॉर्थ पोल पे वो हील हो चुका है ठीक हो चुका है और क्लोज हो चुका है तो ये साइंटिस्ट ने रिसेंटली यू नो लास्ट ईयर ये अनाउंस किया था और ये क्या ट्रैक कर रहे थे कॉपर निकस एटमोस्फेरिक सर्विस में जो होल था वहाँ से कॉपर निकस मॉनिटरिंग सर्विस से उसको ट्रैक कर रहे थे यहां पे ओके okay? जो कैम्स है यहाँ पे इसको ट्रैक किया जा रहा था तो ओजोन होल बिकेम द लार्जेस्ट वन एवर रिकॉर्डेड इन आर्टिक रीजन आर्टिक रीजन में सबसे बड़ा था लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो होल हील हुआ है ये पॉल्यूशन लेवल्स कम होने की वजह से नहीं हुआ है कोविड नाइनटीन के लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है ये सबसे लेटेस्ट है ये क्यों हुआ है क्लोज बिकॉज ऑफ पोलर वॉटेक्स अब ये पोलर वॉटेक्स क्या है बेसिकली Uh, जितना लो प्रेशर और कोल्ड वेव आपके लो uh, ये पोल्स पे रहती है ये विंटर के मंथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको हम पोलर वॉटक्स बोलते हैं ये वर्लिंग कोन का लो प्रेशर जो इस तरह से वर्ल कर रहा है घूम रहा है ओके okay? इस तरह का ये लो प्रेशर रहता है इसकी वजह से हुआ है इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे पोलर वाटक्स को लेकर कि पोलर वाटक्स क्या होता है या स्टडी आई क्यू पे ऑलरेडी भी अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली अगर आपको कोई बोले कि ओजोन होल हील हुआ है पोल्यूशन क्योंकि हमने कम कर ली इंटरनेशनल एफर्ट्स लगा लिए लगा लिए नहीं ऐसा नहीं है साइंटिस्ट का मानना है ये पोलर वोटक्स की वजह से हुआ है तो ओजोन से लेकर लेटेस्ट न्यूज़ यही थी तो अभी हम यही बात करेंगे और इससे पहले मैं एक एंटार्टिका की बात बता दूं कि एंटार्टिका में सबसे पहले जो ओजोन की थिंक है वो देखी गई थी ऑल दो नॉर्दर्न एरिया में भी रहती है जैसे यहाँ पे आर्टिक की बात की लेकिन एंटार्टिक में सदर्न हेमोस्फेयर में ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पे जब भी अंधेरा रहता है जब सनलाइट छः छः महीने तक नहीं होती इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं कि तो, जो ये थिनिंग है ओजोन की वो होती है इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं जब उनको सनलाइट मिलती है तो वो थिनिंग वहाँ पर बहुत स्पीड से होती है तो यही था आज का हमारा लेक्चर ओजोन के बारे में हमने जाना ओजोन लेयर क्या है ओके okay, किस तरह से क्लोरीन ब्रोमीन इसको डिस्ट्रॉय करते हैं क्या कॉजेज हैं उनके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं अर्थ पे और इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हैं क्या आज तक किया गया है और लेटेस्ट जो हीलिंग की बात हुई है ओजोन की वो पोलर वॉटेक्स की वजह से हुई है ये सब आज के लेक्चर में एक क्विक रिविजन हमने ये सब जाना अब देखिए पी जो है इसके लेक्चर का वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आगे हम इस तरह के डिस्कशन जो हैं वो कॉन्टिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच